तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 12 से 14 तक। प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकाल कर इसराइल की धरती पर वापस ले आऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोल कर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊँगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ ये कहा और पूरा भी किया है। ये प्रभु का कहना है, ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, दयासागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दयासागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इसराइल प्रभु की राह देखता रहे। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इसराइल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। पाठ दूसरा, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 8 से 11। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फल स्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फल स्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को
मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 45। बेथानिया का रहने वाला लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बेथानिया मरियम और उसकी बहन मर्था का गांव था। यह वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पहुँचे। उसी का भाई लाजरुस बीमार था। मर्था और मरियम ने यीशु को कहला भेजा, प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। यीशु ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित हो जाएगा। यीशु मर्था को, उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वह जहाँ थे वहाँ 2 दिन और रह गए, किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शिष्य बोले, गुरुवर कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वह फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि वह सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। यीशु ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्य यह समझे कि वह नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरुस मर गया है, मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिसे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चलें। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सह शिष्यों से कहा, हम भी चलें और इनके साथ ही मर जाएं। वहां पहुंचने पर यीशु को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथामिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मर्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगोगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। वह यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं।
वह ये सुनते ही उठ खड़ी हुई और यीशु से मिलने गई। यीशु अब तक गांव में नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मर्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे यह देखकर कि वे अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे वह कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर यीशु बहुत ही व्याकुल हो उठे और आ भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। यीशु रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो यह उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने तो अंधों को आंखें दी हैं, क्या यह उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचकर यीशु फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मर्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं तो जानता ही था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।